श्रद्धा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। 15 अगस्त से पहले हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस यात्रा का शुभारंभ आज अहमदाबाद में अमित शाह करेंगे। बता दें कि ये कार्यक्रम अहमदाबाद के विराटनगर क्षेत्र में आज शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज पार्टी के शीर्ष AICC और राज्य नेताओं के साथ विवादास्पद SC/ST कोटा मुद्दे पर चर्चा करेंगे, ताकि इस मामले पर पार्टी के दृष्टिकोण को मजबूत किया जा सके। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया 14 अगस्त को पूरी दिल्ली में पदयात्रा करेंगे। इससे पहले आज वो पार्टी के पार्षदों से मुलाकात करेंगे। बता दें कि इस बैठक में पदयात्रा को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। आज विनेश फोगाट के मेडल मिलने के मामले में फैसला आना है। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक 2024 से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपील की थी। बता दें कि फोगाट ने अयोग्य घोषित किए जाने के बावजूद सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग की थी। झारखंड के सिमडेगा में राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन को लेकर एक बैठक हुई थी। बैठक में भाजपा द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ आज यानी 13 अगस्त को आक्रोश प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित इंडोर स्टेडियम में जोहार तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें देश के जाने माने गायक कैलाश खेर देशभक्ति पर आधारित गीतों से लोगों का मनोरंजन करेंगे। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न शुरू होने वाला है, जिसमें कई मशहूर हस्तियां नजर आने वाली हैं। समारोह शुरू होने से पहले अभिनेत्री रानी मुखर्जी और फिल्म निर्देशक और निर्माता करण जौहर आज ऑस्ट्रेलियाई संसद भवन को संबोधित करेंगे। नेटफ्लिक्स पर कपिल शर्मा का कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो का सीजन 2 आज से शुरू होगा। पहले सीजन को काफी पसंद किया गया, अब सीजन 2 में प्रसिद्ध व्यक्ति को गेस्ट अपीयरेंस में देखना दिलचस्प होगा। तमिलनाडु की दलित राजनीतिक पार्टी VC के अनुसूचित जाति के भीतर समुदायों के उपवर्गीकरण के खिलाफ आज विरोध मार्च आयोजित करेगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर फैसले के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जाएगा। लखनऊ में 13 अगस्त 2024 यानी स्वतंत्रता दिवस के लिए यातायात व्यवस्था बदली हुई रहेगी। इस दौरान ट्रैफिक जाम को कंट्रोल करने के लिए रूटों को डाइवर्ट किया गया है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। आज ही के दिन सन 1795 में भारत की वीरांगनाओं में से एक अहिल्याबाई होलकर का निधन हुआ था। आज ही के दिन सन 1951 में भारत में निर्मित पहले विमान हिंदुस्तान ट्रेनर 2 ने पहली उड़ान भरी थी। आज ही के दिन सन 1956 में राष्ट्रीय राजमार्ग लोकसभा में विधेयक पारित हुआ था। आज ही के दिन सन 1963 में भारतीय सिनेमा की ख्याति प्राप्त अभिनेत्रियों में से एक श्रीदेवी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 1977 में अंतरिक्ष शटल के पहले ग्लाइड का परीक्षण किया गया था। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।